ये लो बाबू, हम पहुंच गए, यही है आदमपुर। यहाँ पर ही हम लगाएंगे अपनी नई फैक्ट्री। अरे ये ससुरा कौन आ रहा है, लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे भैया सुनो, पानी की बोतल दे दो एक। अरे भैया पानी तो ना ही है, कोल्ड ड्रिंक्स है वो ले लो। नहीं नहीं फिर रहने दो। वैसे भैया जी आप यहाँ के तो ना ही लगते, फिर आदमपुर कैसे आना हुआ? अरे वो आदमपुर में मैं अपनी नई फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, इसीलिए आया हूँ। अरे ये तो भैया जी आ गए, पाई लागू भैया जी। खुश रहे बेटे, और ये तो कोबड़ा खड़ा है, कैसा है कोबड़े? अरे ठीक हूँ भैया जी। तो फिर ठीक है। अरे भैया जी मारे क्यों हमको? अरे तेरी शक्ल पसंद नहीं आई मुझे, इसलिए मारा। सही किया ना मैंने? क्या बोलते हो गाँव वालों? अरे भैया जी आप थोड़ी कभी गलत कर सकते हो। हाँ ये बात तो तुम पते की कहे, और सड़ो अब हम सड़ते हैं। अरे ये सब नुबरे कौन थे? अरे जुबान संभाल के, अगर कोई सुन लेगा तो तुम्हें वन टैप मार देगा। ठीक है पर ये थे कौन और तुम पे जुल्म क्यों कर रहे थे? अरे ये काले कच्चे वाले आदम डाकू के आदमी है। अरे अब ये आदम डाकू कौन है? अरे ससुरा तुम आदमपुर में फैक्ट्री लगा रहे हो और आदम डाकू को नहीं जानते? नहीं यार मैं नहीं जानता, तुम बताओ उसके बारे में। ठीक है हम तुमका पूरा इतिहास बताते हैं। आदम पहले डाकू नहीं था, वो एक आम कैरेक्टर था। फिर एक दिन नदी किनारे उसके साथ ये हुआ। अरे वो देखो वो तो आदम आ रहा है, आज फिर से इसकी क्लास लेंगे। अरे यार मैं जब भी नदी किनारे आता हूँ ये नुबड़े यहीं खड़े होते हैं। अरे छोटू देख तो ये हल्का हो रिया से के इधर। ये जगह अच्छी लगती है, यहाँ पर मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। अरे नुबड़े तुझे कितनी बार मना किया है कि नदी किनारे मत आया कर, फिर पे क्यों आता है? अरे मेरी भी मजबूरी है भाई, क्या करूँ। नुबड़े निकल यहाँ से, आज के बाद अगर मुझे तू यहाँ दिख गया ना तो नुबड़े बहुत मारूंगा। अरे भैया जी अगर मैं नदी किनारे ना आऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ, आप ही बताइए। नुबड़े एक कमोड लेके ये सब चीजें घर पे किया करना। अरे ये तो उस बिचारे के साथ बहुत गलत किया उन लोगों ने। हाँ पर उस चीज को आदम ने पॉजिटिव लिया और कमोड लेने के लिए निकल लिया। अब तो मैं घर पे ही कमोड पे बैठूंगा, फिर मुझे नदी किनारे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो स्काइलर भैया एक अच्छा सा कमोड दे दो। अरे नुबड़े मालूम है ना फ्री में कुछ नहीं मिलता, 150 रुपए का है एक। हाँ मैं पैसे लाया हूँ आप दे दीजिए। अबे तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से, सच सच बता। अरे वो मैंने मेरी साइकिल बेच दी, उसी से मिले है मुझे 150 रुपए। अच्छा पर मैं तेरे को टॉयलेट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे जैसे नुबड़े इस टॉयलेट में बैठेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे प्लीज दे दो ना यार। अरे बोला ना तेरे को नहीं मिलेगा, चला जा नुबड़ी के। अरे यार ये टॉयलेट देते नहीं है और ऊपर से नदी किनारे भी नहीं जाने देते है, अब मैं क्या करूँ? लगता है मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। अरे उदास मत हो ब्रो, ये लोग ऐसे ही है, इन लोगों ने हमारे साथ भी यही किया था जब हम नए नए रहने आए थे। अच्छा तो फिर आपने उन लोगों के साथ क्या किया? वही किया जो इन लोगों ने हमारे साथ किया, और अब आप चिंता मत करो हम आपका बदला लेंगे। इस तरह आदम को क्रिमिनल्स मिले। वो तो मैं समझ गया, पर मुझे ये जानना है कि उन लोगों ने अपना बदला कैसे लिया। अरे फिर वो चालाक चिमकांडी क्रिमिनल चुपके से गांव वालों के घर में घुसा और उनके कमोड में बम लगा दिया। साले ने एक भी कमोड को नहीं बख्शा, बारी बारी सभी कमोड में बम लगा दिया। ओह फिर क्या हुआ भैया जी? फिर क्रिमिनल का काम खत्म हो गया और बम ने अपना काम कर दिया। फिर गांव में एक भी कमोड नहीं रहा, सारे कमोड टूट गए और गांव वालों को मजबूरी में नदी किनारे जाना पड़ा। क्या रे नुबड़ो तुम लोगों को मना किया था ना नदी किनारे मत आना, फिर भी आए। और हमारी मजबूरी है नुबड़ो, अब पता चला ना, तब मेरी भी मजबूरी ही थी जब तुम लोग मेरा मजाक बना रहे थे। ओए आदम गलती हो गई हमसे, माफ कर दे। अब हो गया ना आपका बदला पूरा, तो हम सड़ते हैं। नहीं नहीं अभी भी एक काम बाकी है, मुझे स्काइलर से अपना बदला लेना है। उसने मुझे एक भी टॉयलेट नहीं दिया था ना, तो अब मैं उसके सारे टॉयलेट छीन लूंगा। मतलब डाका डालना है, डाकू बनोगे आप? हाँ आदम बन के तो मैं अपना हक नहीं ले पाया, पर अब आदम डाकू बन के ही सही। पर यार एक दिक्कत है, तुम शक्ल से तो कस्से बेचने वाले लगते हो, पर कोई ना मैं तुम्हें डाकू वाला लुक दे दूंगा। सच में अब मैं डाकू लग रहा हूँ क्या? हाँ अब लग रहे हो तुम सारा डाकू, समझे? इस तरीके से आदम का नाम पड़ा काले कच्चे वाला डाकू।
अरे सुन स्काइलर, मेरे को कमोड चाहिए, दे देगा ना? अरे भैया जी, आपको कैसे मना कर सकता हूँ, ले लो कोई अच्छा सा कमोड ले लो। अरे नहीं, मुझे एक कमोड नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए और वो भी मुफ्त में। अरे भैया जी, अब सारे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, आज से ये सारे कमोड मेरे। पर एक मिनट, तू आज सुबह क्या बोला था मेरे को? अरे नहीं नहीं भैया जी, मैं कुछ नहीं बोला था। नहीं यार, तू बोला था चला जा नूबड़ी के, वो बात मेरे सीधे दिल पे लगी थी। साला तुम तो सच में डाकू बन गए। हाँ, शुरू तो हम मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आने लगा है। अरे उसने स्काइलर को मार दिया, फिर भी उसको किसी ने नहीं रोका। अरे ना ही, फिर तुरंत ही पुलिस वाले गए थे उसके अड्डे पे उसे पकड़ने। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए कैसे आना हुआ। ए जी, वारंट निकला है आडम तुम्हारे नाम का, सरेंडर कर दो तो अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सीधी मेन बात पर आता हूँ, आडम डाकू को बेगुनाह साबित करने का कितना लोगे? स्काइलर के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो रहे हैं, तो उसे मैं गुनेगार साबित कर दूंगा, पर बदले में एक कमोड दे दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो गांव में कमोड की कितनी शॉर्टेज चल रही है। ठीक है साहब, कमोड मिल जाएगा आपको। और मैं क्या बोलता हूँ साहब, हमारे साथ हाथ मिला लो, आपको हर महीने एक नया कमोड मिल जाएगा। ठीक है आडम डाकू, मुझे मंजूर है। तो क्रिमिनल गांव में ऐलान कर दे कि जो भी कमोड बेचेगा उसे हम ठिकाने लगा देंगे, और अगर कमोड चाहिए तो आडम डाकू से ही खरीदना पड़ेगा। और इस तरीके से आडम डाकू ने कमोड के धंधे में अपना दबदबा बना लिया। अच्छा, पर यार किसी ने हिम्मत नहीं की आडम के एरिया में कमोड बेचने की। और कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आडम के आदमी हर एरिया में तैनात होते थे, और जो भी गाड़ी उसके एरिया में से जाती थी उस गाड़ी की बराबरी से चेकिंग की जाती थी कि उस गाड़ी में कमोड तो नहीं। पर एक चालक चिमकांडी बिजनेसमैन था जिसने पानी के रास्ते से कमोड स्मगल करने की कोशिश की, पर वो कोशिश ही रह गई, क्योंकि पुलिस वालों ने आडम को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उसके एरिया में एक जहाज आ रहा है जिसमें कमोड है। फिर जैसे ही वो जहाज आडम के एरिया में दाखिल हुआ, आडम ने वो जहाज ही उड़वा दिया, और फिर आडम बोला कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में कमोड लेके कोई एंट्रेंस नहीं कर सकता। और फिर आडम ने उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया। देखो गांव वालों, इस बंदे ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी, और देखो आज इसका क्या असर हुआ। और अब से जो भी हमारे एरिया में कमोड बेचेगा उसका यही अंजाम होगा। तो ये स्टोरी है आडम डाकू की, और उस दिन के बाद से किसी ने इस एरिया में कमोड बेचने की कोशिश नहीं की है। वैसे साहब, आप यहाँ किसकी फैक्ट्री लगाने आए हो? अरे मैं भी यहाँ कमोड की फैक्ट्री लगाने ही आया हूँ। अरे साहब, आप गलती कर रहे हो, यहाँ फैक्ट्री मत लगाओ, वरना आडम डाकू ना ही छोड़ेगा। अरे मैं नहीं डरता किसी डाकू वाकू से, मैं तो फैक्ट्री यहीं पर ही लगाऊंगा। ठीक है भैया, हमने तो आपको वार्निंग दे दी, बाकी आपकी मर्जी। अरे मेरे भी ऊपर तक पहुँच है, अभी इस डाकू को अपने रास्ते से हटाता हूँ। हेलो डीजीपी साहब, नमस्कार, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे नमस्कार बिजनेसमैन साहब, बोलो के मदद चाहिए। मुझे आदमपुर में फैक्ट्री लगानी है, पर यहाँ एक डाकू है, उसका बहुत आतंक है, उसका कुछ कीजिए। अच्छा, वो आदम डाकू, वो तो मुश्किल से, पर एक अफसर है जो उसे ठिकाने लगा सके से, मैं उसका ट्रांसफर आदमपुर में करवा देता हूँ। अरे डीजीपी साहब पक्का वो अफसर इस डाकू को संभाल तो लेगा ना? अरे भाई, उसने बड़े बड़े माफियाओं का बैंड बजाया से, 36 एनकाउंटर गोल्ड मेडलिस्ट, एटीट्यूड बॉय, पापा का परा और DSLR लवर से। ठीक है डीजीपी साहब, उसका ट्रांसफर जल्द से जल्द आदमपुर में करवाइए। बाबू मोसाई, सच बता, तू टूर्नामेंट में हैक यूज कर रहा था ना? ओए नहीं ओए, मैंने तो बस DPI आई किया था। अरे सर जी, डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। नुबड़ा, तुझे 10 साल की सजा होगी, पर अगर तू सच बोल देगा तो मैं तेरी सजा 5 साल करवा दूंगा। ओए नहीं ओए, मैं सच नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तुम मुझे 20 साल जेल में रखोगे। ठीक है, अब तो मैं तुझे 40 साल की सजा दिलवाऊंगा और तुझे रोज टॉर्चर करूंगा। अभी भी टाइम है, सच बोल दे। अरे साहब, दूसरा कॉल आ रहा है डीजीपी साहब का। ठीक है, उठा ले। और इंस्पेक्टर रिपू कैसा है? बोलिए डीजीपी साहब, अब कहाँ मिशन पर भेज रहे हो मुझे? समझदार हो तो भाई, अब तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं आदमपुर में। अरे ये तो अच्छा है, तब तो मेरा सामना आदम डाकू से होगा। हो। हाँ, और रिपू थारा ढोलकपुर में कोई केस तो पेंडिंग नहीं से ना? एक हैकर का केस है डीजीपी साहब, वो तो अभी सोल्व हो जाएगा। ठीक से वो केस खत्म करके आदमपुर के लिए रवाना हो जाना, तुम्हारी वहाँ जरूरत से। ठीक से, रखता हूँ।
चल भाई हैकर, मेरा ट्रांसफर हो गया है और मुझे केस खत्म करना है, अब तू जा सकता है। ओए पक्का साहब, मैं जा सकता हूँ। हाँ बाबू मोसाई, तूने सुना तो सही, डीजीपी साहब ने मुझे केस खत्म करने का बोला है। ओए ठीक है साहब, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे 1v4 कस्टम खेलने जाना है। रुबड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जेल तोड़कर भागने की है? और ऊपर से ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करता है, ये ले। अरे सर जी, ये क्या किया आपने? अरे तावड़े देख, कितनी सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर सालों साल चलते रहते हैं। इससे अच्छा है हैकर खत्म, केस खत्म। अरे सरकार, खबर मिली है कि एक बहुत ही येड़े ऑफिसर का ट्रांसफर आदमपुर में हो रहा है और उसका टारगेट आप ही हो। ठीक है, पर उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? रेड क्रिमिनल एक काम कर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा उस ऑफिसर को टैग करके और उस स्टोरी में लिखना कि इंस्पेक्टर साहब आपका स्वागत है आदमपुर में,